हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर नंबर 14, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये लेक्चर में मैं कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में जो चेन रूल है उसके मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये चेन रूल लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट है, आज का लेक्चर नंबर 14 है। इसमें आज के लेक्चर में न्यू ये है कि मैं तीन अलग अलग वेरिएबल्स पे चेन रूल यूज करूंगा। जैसे कि ये हमने लिया था कि भाई इसमें सिर्फ लिखा था मैंने y और u, यानी पहले u एज्यूम करते थे, सिर्फ u एज्यूम करने से हमारा आंसर पहले आ जाता था, जो 11th लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 में हमने स्टडी किया था। सिर्फ u एज्यूम करने से आंसर आता था, बट इसमें ये क्वेश्चन में सिर्फ u एज्यूम करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यू के साथ आपको एक और फिर थोड़ा यू एज्यूम करेंगे, फिर वो यू में से वी को एज्यूम करना पड़ेगा, तो वी को भी डिफरेंशिएट करना है, यू को भी डिफरेंशिएट करना है और वाई को भी डिफरेंशिएट करना है। तो तीन डिफरेंशिएशन को हम लोग लास्ट में यहाँ पे डालेंगे तीनों की वैल्यूज और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखते हैं किस तरह से ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करवाएंगे। अब ये एज्यूम क्या करना होता है वो भी आपको मैंने समझाया जैसे पहले लेक्चर्स में, कि इसमें आप ऐसे चीज एज्यूम करो कि जो डायरेक्ट ऐसी चीज एज्यूम करो कि जो एज्यूम करने से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सको। जैसे कि अगर आप इस चीज को एज्यूम कर लो, सपोज के भी x फॉर एग्जांपल, तो log x का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एज्यूम करना है, पर हम यहां कभी भी x एज्यूम नहीं करते, हम u एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो लाइए देखते हैं, पहले लेट u इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर। इससे पहले के तीन लेक्चर्स में हमने जो सम्स देखे थे उसमें ये हो रहा था कि u एज्यूम करने से जो भी चीज हमें मिलती थी उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अवेलेबल था, बट इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर यहाँ पे साइन एक्स होगा सिर्फ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, कॉस एक्स होता है वो फॉर्मूला हमारे पास है, बट साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तब आपको जाना होगा इस चेन रूल में कि जब भी आपको यू एज्यूम करने से उसका डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, उसकी फॉर्मूला नहीं अवेलेबल हो, तो फिर थर्ड फॉर्मूला यूज करना है, और उसके लिए इसमें भी फिर और कुछ एज्यूम करना है। इसमें से इसमें एज्यूम करके यहाँ पे आए, फिर इसमें भी एज्यूम करके वी करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि आप फिर और कुछ एज्यूम कर लो कि वी, क्या आप वी एज्यूम करेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के बदले अगर एक्स होगा तो ये फॉर्मूला साइन एक्स के बनकर साइन एक्स बन के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स देगा, यानी हम एक्स स्क्वायर को अभी वी एज्यूम कर लेंगे। देखो ये जो मेथड है वो बुक्स में ये मेथड होती है, सारी मेथड पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा बुक के हिसाब से, उसके बाद मैं अपनी एक मेथड बताऊंगा जो आपको बहुत ही ईजी लगेगी, जो भी आपको ईजी लगे, ये मेथड लगे या मेरी मेथड लगे वो आप डिसाइड करें, मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा। देखो इसमें हमने वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है, अब क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है एक्स स्क्वायर का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, इट इज अवेलेबल, राइट। तो अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको यहां पे लिखता हूं वी इक्वल्स, इधर लिखता हूं लेट वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अब फिर से एक क्वेश्चन है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देख लो v के नीचे क्या है x, इसलिए इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो ये आएगा d by dx of v equals to d by dx of x square। अब x square का तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अवेलेबल है, पता है हमें आंसर, इवन अभी हमारा जो लेक्चर नंबर 14 चल रहा है उसके हिसाब से ही इसका आंसर फाइंड आउट करना अभी आपको आ गया होगा काफी, कि 2 सिर्फ आगे जाता होता है और बचेगा क्या d by dx of x, sorry 2 आगे जाएगा, x बचेगा, पावर होगा 2 minus 1, डायरेक्ट फॉर्मूला 2 minus 1 means 1, पावर में 1 हम कभी लिखते नहीं है इसलिए 1 भी हटा देंगे, यानी कि फाइनली आंसर
डी वाई बाई डी एक्स का आता है 2x, और मैंने आपको पहले भी समझाया था लेक्चर्स में कि जो भी इस चीज का आंसर आता है कि जो हम इसमें अप्लाई करने के लिए हम निकालते हैं वो हमेशा x के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये x के फॉर्म में आ गया। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन u वाले, v का हो गया dv by dx आ गया। अब u पे जाते हैं कि u को हमने क्या एज्यूम किया था, साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी एजम्पशन v है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा साइन v। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो देखिए फॉर्मूला में u के नीचे क्या है, v, तो विद रिस्पेक्ट टू v आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा d by dv u equals to d by dv sin v। ओके, अब फॉर्मूला अवेलेबल है क्योंकि देखो v भी सेम है ना, तो चलता है, x x हो तो भी चलेगा, यहाँ पे x x है तो वहां पे क्वेश्चन में v भी है, तो sin x का होता है cos x, यहाँ पे sin v का होगा cos v। बट dv by d और du by dv जो यानी ये जो है ये अगर हम इसकी वैल्यू अगर ये वाली इसमें डालने के लिए हम ये वैल्यू नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि v के फॉर्म में है, आपको x के फॉर्म में चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो हमने एज्यूम किया था कि भाई v क्या होता है x square, तो यहाँ पे हम लिख देंगे v के बदले x square। तो अभी ये जो फॉर्म हमें मिली है वो हम लोग चेन रूल के फॉर्मूला में डाल सकते हैं, ठीक है, यानी dv by dx का आंसर 2x है, du by dv का आंसर cos x स्क्वायर। अब एक और चीज कि हमने क्वेश्चन को अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, क्वेश्चन है y equals to log sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर को हमने एज्यूम किया है u, यानी कि ये होगा log u, ठीक, इतना तो हमने किया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब y है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो y के नीचे u लिखा है यानी इसको u से डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या बनेगा d by du of y equals to d by du of log u, ठीक है, log u का फॉर्मूला अवेलेबल है u u, ठीक है, x x हो तो 1 upon x, u u हो तो 1 upon u, यानी ये आएगा dy by dx, sorry dy by du equals to 1 upon u। अब ये आंसर इसके लिए डालने के लिए सही नहीं है बिकॉज यहाँ पे x के फॉर्म में नहीं है तो u के फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, हम उसको भी चेंज कर देंगे, u के बदले क्या डालेंगे sin x स्क्वायर। तो ये तीन आंसर्स हमारे जो मिले, एक तो dv by dx फॉर्मूला में डालेंगे, du by dx, सॉरी यहां पे v था ना तो v आएगा, फिर से देखते हैं dv by dx, ठीक है, du by dv, ओके, dy by dv, ठीक है, तो तीनों तीन इसमें डालेंगे, तो पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं, dy by dx equals to dy by du into du by dv into dv by dx, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले dy by du ये वैल्यू है 1 upon sin x square, यहां पे डालूंगा मल्टीप्लाई du by dv, ये फॉर्म जो वैल्यू है वो यहां पे डालूंगा, तो आएगा cos x square dv by dx, ये वैल्यू यहां डालूंगा तो आएगा 2x, कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा, कभी ऐसा मत करना कि इसका एक x और इसका एक x कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं करना है, कई बच्चे ऐसा करते हैं, ध्यान देना साइन के बाद जो होता है ना वो उसका एंगल होता है, तो ये साइन के ये कभी अलग से कट नहीं हो सकता, ये दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो
तो 2x cos x square upon sin x square, ये आंसर भी चलेगा। इसके अलावा आप देखो एक और आंसर बन सकता है, क्योंकि एंगल दोनों सेम है, x square सेम है, तो cos upon sin का ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है उसके हिसाब से cos x upon sin x होता है cot x, ठीक है। तो इसमें आप वो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x cot x square, ये आंसर भी चलेगा और ये आंसर भी चलेगा, दोनों के दोनों आंसर चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार आंसर बुक में चेक कर लेता हूं, करेक्ट, ये आंसर भी, ये मेथड भी कर सकते हैं, ये बुक्स की मेथड है, मोस्टली सभी बुक्स में ये मेथड होती है। बट जब हम बहुत ही बड़े बड़े सम्स इसके सॉल्व, जो मैं आगे जाके लेक्चर्स में लेने वाला हूँ, तो उसमें क्या होता है, सब मिक्स होता है, एक साइड आपको मल्टीप्लीकेशन करना होता है, एक साइड डिविजन करना होता है, एक साइड चेन रूल करना होता है, सब कुछ एक ही सम में करना होता है। तो उस टाइम पे आप इतना लंबा लंबा इसको सॉल्व करोगे चेन रूल से, इस मेथड से, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए उसके लिए एक दूसरी मेथड है जो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो देखना, मैं आंसर ये ऐसा कैसे यहाँ पे रखूंगा, मेरी वाली मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक, देखते हैं। आंसर के सिवा सब मैं रब कर देता हूँ। देखो इतना पोर्शन में रखो और देखते हैं हमारा आंसर, मेरी मेथड का आंसर और ये बुक की मेथड का आंसर सेम आता है कि नहीं। मेरी जो मेथड है उसमें चेन रूल यूज ही नहीं करना है, उसके बिना ही सब आएगा। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन ये है, हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इन टू साइन एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता सिर्फ तो आंसर अवेलेबल था कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, यानी कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर है उसके बदले क्या होना चाहिए, उसके बदले होना चाहिए एक्स, ठीक है। ऐसा होगा कि साइन एक्स स्क्वायर के बदले अगर सिर्फ एक्स होता तो लॉग एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आंसर आता, वन अपॉन एक्स आता ना, ठीक है। ये नहीं होता, एक्स होता सिर्फ, लॉग एक्स का आंसर वन अपॉन एक्स आता, बट यहां पे एक्स है नहीं है, तो क्या है एक्चुअल वैल्यू, वो यहां पे एक्स के बदले लिखनी है। तो एक्चुअल वैल्यू आपको दी है साइन एक्स स्क्वायर। अभी भी फिर जो एक्चुअल वैल्यू है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ध्यान है, ख्याल है। देखो ये इसको x एज्यूम कर लिया, log x का फॉर्मूला लगा दिया वन अपॉन x, बट x को फिर जो नीचे x आया था उसको रिप्लेस किया ओरिजिनल वैल्यू से। अब जिसको रिप्लेस किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना। चलो अभी आगे जाते, इसको तो वैसा का वैसा लिखूंगा वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो, सॉरी फिर से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम कि भाई इसका तो फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर के बदले अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स होता तो फॉर्मूला लगता, यानी कि तो किसका फॉर्मूला लगता है, साइन एक्स का, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स होता है। बट ओरिजिनल वैल्यू यानी
एक्स को फिर से ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स के बदले एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर ओरिजिनल वैल्यू है इसलिए मैंने एक्स को लिखा। अब जो ओरिजिनल वैल्यू जब रिप्लेस करते तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, किससे डिफरेंशिएट करूंगा ओरिजिनल वैल्यू, अभी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है एक्स स्क्वायर, इसको उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अच्छा और आगे जाते हैं, साइन एक्स था ना तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता, मैंने गलती से उसको डिवीजन में लिख दिया था बाय मिस्टेक, वो ऊपर ही आएगा ध्यान देना फिर से। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन के हिसाब से 2x बनेगा। आगे हमारा आंसर मेरी मेथड के हिसाब से हमने कितने स्टेप्स में कंप्लीट किया, 1, 2, 3 और 4, बट जो ये आंसर आया है वो आंसर ये ही है, देखो सेम, ठीक है। इसको भी आप कॉट के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉस अपॉन साइन है तो कॉट स्क्वायर एक्स होगा। कॉट एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और टू तो है ही, 2x आ गए, ये 2x आ गए लिख दिया, यानी ये आपका आंसर शॉर्टकट मेथड से होता है जो मैंने आपको अभी समझाया है। बड़े क्वेश्चंस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, ये मेथड भी आती है, ठीक है। दोनों मेथड से आपको जो भी सही लगे, मेरा मानना ये है कि अगर आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन ही है तो ये सिंपल क्वेश्चंस को सिर्फ पूछा हो तो आप फिर वही चेन रूल के हिसाब से मार्क्स देखना, पहले 3 से 4 मार्क्स में हो तो चेन रूल के हिसाब से सॉल्व कर देना, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सम्स है उसमें कुछ छोटे से पार्ट में ऐसा यूज होता हो चेन रूल तो फिर वो बहुत पूरा चेन रूल का एप्लीकेशन नहीं करना, शॉर्ट में करके आप खत्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Thanks for watching. All the best.